एक मकान में यहीं पर कैंट क्षेत्र में तीन लोग इस पर काम कर रहे थे जिनका नाम मैंने दिया प्रेस नोट में, हर्षित सक्सेना है, केसरवानी है और शुभम सिंह है। ये लोग इसमें काम कर रहे थे और वेबसाइट बना करके साउथ के लोगों को इसमें एल्योर करते थे, उधर ज़्यादा प्रचार था। इसमें काफ़ी बरामदगी हुई है, फर्जी आईडी मालूम हुआ, सर्टिफिकेट मिला हुआ है, एक पिस्टल भी मिला हुआ हम लोगों के पास जो जिसको मुंगेरी पिस्टल कहते हैं, नंबर दो का है वो उसका, और तकरीबन 7,80,000 रुपया कैश रिकवरी हुई है। 4 लैपटॉप मिला हुआ है, तमाम 11 मोबाइल फ़ोन मिले हुए हैं जिसके माध्यम से सारा काम करते थे। इनके अकाउंट को भी सर्च किया गया है, इसमें अकाउंट के सर्च तकरीबन 92 लाख का अभी इनका ट्रांजेक्शन क्लियर हो पाया है, अभी इसमें विवेचना जारी है। एक बहुत बड़ा केस वर्कआउट हुआ है, इसमें यह भी जानकारी मिल रही है कि ओटीपी से किसी कंपनी के किसी प्राइवेट व्यक्ति का इन्होंने 54 लाख रुपये का गबन किया है इसी मामले में, वहाँ भी मुकदमा कायम है, वहाँ की पुलिस से संपर्क किया जा रहा है। इस प्रकार से एक बड़े गैंग का पर्दाफाश हुआ जो काफ़ी लोगों को बेवकूफ़ लोगों को बना करके लोगों को ये पैसे इकट्ठा कर रहे थे और अपने लिए इसका इस्तेमाल कर रहे थे। झांसा जैसे आईडी बनाया, उन्होंने आईडी में मैसेज कर दिया कि आप बिजनेस, ये मेरा बिजनेस है कि आप पैसे इसमें जमा करेंगे।